से विदेशी टूरिस्ट हिंदुस्तान घूमने के लिए आते हैं, लेकिन उनमें से कुछ ऐसे विदेशी टूरिस्ट भी होते हैं जो हमेशा के लिए हमारी संस्कृति से, हम भारतीय लोगों से इस हद तक प्यार करने लगते हैं कि वो हमेशा के लिए वो हिंदुस्तान में रहने के बारे में सोचने लगते हैं। एक ऐसी ही महिला है फ्रेडरिक इरीना ब्रूनिंग, जो 1978 में भारत में आई घूमने के लिए, और वो वहाँ वृंदावन गई। उन्होंने देखा कुछ ऐसी गाय थी जो सड़कों पर लावारिसों की तरह से घूम रही थी, जिनका कोई केयर टेकर नहीं था। उनके पशुपालक ने उन्हें सिर्फ इसलिए छोड़ दिया था क्योंकि वो बूढ़ी हो गई थी और दूध देने के काबिल नहीं रही थी। उन्होंने कुछ गायों को गोद लिया और धीरे धीरे इस तरह से बढ़ती गई, वो उनकी देखभाल करने लगी। इस काम में उन्हें बहुत अच्छा लगने लगा, गाय को भी उनसे बहुत प्यार हो गया। और इस तरह से आज 1978 से वो वीज़ा बढ़वाती जा रही हैं और हमेशा के लिए वो भारत की होकर रह गई हैं और यहीं रह रही हैं वृंदावन में। उन्होंने एक गाय के लिए एक आश्रम भी खोल लिया है जिसका नाम है सुरभि गौशाला, और वो करीब 1800 गायों की देखभाल कर रही हैं, जिसमें करीब 20 से 25 लाख रुपए हर महीने खर्च आता है। जो बूढ़ी गाय होती है जिनकी कोई केयर टेकर नहीं होता, उन्हें अच्छे से अच्छे डॉक्टर्स लगाए हैं, और उनके अगर पैर टूट जाते हैं या कुछ तकलीफ़ हो जाती है तो प्लास्टर भी किया जाता है। और गायों की बहुत अच्छे से, बिल्कुल जैसे कोई माँ अपने बच्चे की देखभाल करता है, इस तरह से वो देखभाल कर रही है। वो बताती हैं इस काम में जो भी पैसा खर्च होता है वो आसपास के लोगों से या जो भी लोग मदद करना चाहते हैं वो लोग मदद करते हैं। बाकी वो पैसा जो जर्मनी से, वो आई हैं ये महिला, तो जर्मनी में जो उनके पेरेंट्स ने उनके लिए प्रॉपर्टी छोड़ी है उसका पैसे का ही वो उपयोग करती हैं, लेकिन सरकार की तरफ से उन्हें अभी तक मदद नहीं मिली है। लेकिन 1918 में भारत सरकार ने उनके काम को देखते हुए, सम्मानित करते हुए पद्मश्री अवार्ड से नवाजा था। वो कहती हैं वीज़ा की बड़ी समस्या है, वीज़ा के लिए हर बार आवेदन करना पड़ता है। वो तो अब भारत को छोड़ना भी नहीं चाहती। वो कहती है मेरा पूरा जीवन इसी काम में समर्पित है, जब तक जीवन है मैं जो भी है वो गायों की सेवा में ही जाएगा। वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक और सब्सक्राइब करना ना।